ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाप बच्चों को कितनी ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो, झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी रजाई मिल गई। फिर बाबा ने कहा दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं, बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। और लास्ट में बाबा ने कहा अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए, जो आए उनको समझाओ। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। आज का प्रश्न है देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है। उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं, सकल मूर्ते जैसे नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अगर कांटे वो पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का बरसा देने, हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है, इनों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है, दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य या लक्ष्मी नारायण है, इनों को फिर देवता कहा जाता है, इनों में दैवी गुण है, भल गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते, वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं, कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं, उनमें दैवी गुण है, छी छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं, नरकवासी से माया छी छी काम कराती है। अब भगवान वे श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी छी काम नहीं करो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में, यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें को भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, क्वार्टर परसेंट भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं,
बाप है स्वर का रचयिता, तो ऐसे स्वर का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इनों के लायक की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं, एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में दो कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं या से ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्टरी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हैं, स्कूल आदि तो सदा है ही, यह ज्ञान एक ही बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद, यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं, मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते, यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो बहु रिपीट होती है, सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्ध आदि सब आएंगे, यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा, इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि तो है ही परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा फिर छोटी कैसे होगी, बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं, आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकज भूल का खेल, भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा, यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा, वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, कितनी भूल करती है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो, झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई, हमको बादशाही मिलनी है, तो ये सब क्या है, ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या, कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है, हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने, सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं मामे कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है, मम्मा की महिमा का सबूत तब हो
जब तुम भी ऐसा महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा और ये पेट पीठ से लग जाएगा, शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है, युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे, गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है, सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं, सेंटर पर नशा चढ़ना है, फिर घर गए संबंधी आदि देखें तो खल्लास। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहाँ जाने से कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं, गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे, बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार, यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं, बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे, मैंने दिया, ये समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना, गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है, राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो, तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, इन बातों को तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता, जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए, पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, कोई बात में रूठना नहीं, सकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो, चंडी देवी का भी मेला लगता है, चंडी का उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है, ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं, कोई में ताकत नहीं, वो तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ, तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना मुख आप ही खोल सकते हैं, अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए, गूंगे तो नहीं होना, घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं,
हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंदा आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी कीचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वो तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है। विश्व कल्याण कार्य की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याण कार्य की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याण कार्य की ऊंची स्टेज चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध पदार्थ संस्कार प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो। शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। आज का स्लोगन, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।